अकबरुद्दीन ओवैसी उसके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी की जीत के लिए पार्टी प्रचार वो कर रहा है, सभाएं कर रहा है, रैली निकाल रहा है। कल उसने एक सभा में, एक भाषण में कुछ बातों का उसने जिक्र किया। वो क्या कहता है कि मुझे और मेरे भाई को गोली मार सकते हैं, मुझे और मेरे भाई को जहर दे सकते हैं, जेल को पहुंचा सकते हैं, जेल में कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार का वो सेंटिमेंट स्पीच दे रहा है। तो मैं अकबरुद्दीन को ये कहना चाहूंगा कि भाई तुम पार्टी प्रचार कर रहे हो तुम्हारे भाई की जीत के लिए, तो तुम पिछले इतने वर्षों में जो तुम्हारा हैदराबाद पार्लियामेंट में तुम्हारा राज है, तुम्हारा भाई जीतते आ रहा है, पुराने शहर की जो बेवकूफ जो वोटर है जो तुम्हारी बातों में आकर, जो माइनॉरिटी जो तुम्हें वोट डालकर जिता रहे, उनके लिए अभी तक तुमने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, इस विषय पे तुम बात करना था। लेकिन तुम्हें तो चाहिए सेंटिमेंट, फिर से मुसलमानों को भावुक करो, उनका वोट लो, यही तो तुम्हारी नीति रही है। तो मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूंगा कि इतिहास उठाकर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पिताजी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, तेलंगाना में जिसकी भी सरकार बने उनके पैर पकड़ना, उसके बाद में लाइन ग्राफिंग करना, दूसरे पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाना, यही तुम्हारे असदुद्दीन ओवैसी का काम है और रहा है। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को एक एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा जब YS राजशेखर रेड्डी की कांग्रेस गवर्नमेंट थी तभी तुम लोग उनसे मिले हुए थे, उसके बाद में किरण कुमार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने, फिर चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने, फिर चंद्रशेखर की सरकार आई उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने, अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस की सरकार आई फिर उनके पैर पकड़ लिए तुम लोग। एक बात ध्यान से सुन ले अकबरुद्दीन ओवैसी, यही तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, भले ही हम रहो या ना रहो, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो ना कि हमें गोली मारा जाएगा, हमें जहर दिया जाएगा, वो सब नहीं करेंगे। जैसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनते ही तुम दोनों भाई हमारे अधिकारियों के पैरों पर गिरेंगे, उसके बाद में तुम्हें और तुम्हारे भाई को कहां भेजना है वो समय पर हम डिसाइड करेंगे। अभी फिक्र मत कर बेटा, अभी है एक 4 साल और है, जितना लूटना है जनता को लूट लो, जितना बेवकूफ बनाना है जनता को बना लो, 4 साल के बाद में हमारा राज आएगा, भगवे का राज जब तेलंगाना में आएगा ना, तो तुम्हें और तुम्हारे भाई का क्या करना है तब हम बताएंगे।